साथियों, एक समय पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना ही देखते रह जाते थे, पीढ़ियां बीत जाती थी। वो यही सोचते थे, हमें कब पर्याप्त बिजली मिलेगी, हमें कब पक्के घर बनकर मिलेंगे, हमारे गांव तक सड़क आएगी या नहीं आएगी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं, और पलायन का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा। जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे, लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है, सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे तब सरकार कुछ सोचेगी और कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है जो सीधे नागरिकों के पास जाती है। आप याद करिए, एक समय था जब उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में, उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था, आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। अब घर में किचन तक नल से जल आए हैं तो माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? हम सबको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? नल से जल आता है तो माताओं बहनों का कष्ट दूर होता है कि नहीं होता है? उनको सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? और ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, यहां की महिलाओं को हुआ है। उत्तराखंड की माताओं, बहनों, बेटियों ने हमेशा हम सभी पर इतना स्नेह दिखाया है। हम सभी दिन रात परिश्रम करके, ईमानदारी से काम करके हमारी इन माताओं बहनों का जीवन आसान बनाकर उनका ऋण चुकाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।